सो गाइस, आज मैं आया हूँ अजमेरा फैशंस में। जैसे कि आप लोग को पता है, ये सूरत की काफ़ी रेपूटेड कंपनी है जो कि डील करती है साड़ी, सूट्स, कुर्ती, लाइक दैट, हर कुछ वैरायटी में डील करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट देख सकते हैं, यहाँ से लेके वो लास्ट तक और यहाँ से लेके वो लास्ट तक। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट और फैसिलिटी काफ़ी कुछ दिया जाता है। सो आज हम देखने वाले हैं कुर्ती की वेराइटीज़। सो गाइस, याद रखिए, आपको कुर्ती दिखाई जाएगी, पूरी की पूरी गारंटेड कुर्ती रहेगी। तो आप आइए, एक एक करके सैम्पल्स दिखाता हूँ। तो चलिए अभी सैम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। सो सर, अपन स्टार्टिंग रेंज कहाँ से शुरू करने वाले? एक्चुअली सर, कुर्ती की रेंज तो बहुत सारी है। स्टार्टिंग रेंज की अगर बात करें तो 45 रुपीज़ से स्टार्ट होके 1000 तक की रेंज अवेलेबल है हमारे पास में। और जैसे आपने देखी, पूरा एक काउंटर कुर्ती का बना हुआ है। इसके अलावा भी वेयर हाउस में बहुत सारी वेरायटी रहती है जो रोज अपडेट होती रहती है। और एक वीडियो में हम सारी वेरायटी तो नहीं दिखा पाएंगे, पर जो स्पेशल हमने अभी लॉन्च किए नई कलेक्शन, वो हम लोग आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। ओके ओके, तो उनमें सारे फैब्रिक्स आते हैं जो काउंटर पे चलते हैं? बिल्कुल, टोटली फैब्रिक्स मिलेंगे सर, जिसमें कॉटन और रियन काफी ट्रेंड में रहता है। जी जी, वो सदाबहार फैब्रिक है। उसके अलावा भी जो फैंसी फैब्रिक अभी चल रहे हैं ट्रेंड में, वो सारे भी अवेलेबल मिलेंगे सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? जी, मैंने जैसे लोएस्ट रेंज में कुर्ती बोली आपको जी, तो वही रेंज से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट मीन सबसे स्टार्ट कितने से होगा? 45 रुपीज से स्टार्ट है सर रेंज। 45 से कुर्ती की स्टार्टिंग हो जाती है? बिल्कुल, वो टोटली कॉटन फैब्रिक पे रहता है। उस पर डिफरेंट पैटर्न आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पूरा प्रिंटेड पीस है। बॉटम में अलग प्रिंट रहता है जी जी, बैक साइड भी फुली प्रिंट है। इसमें बहुत सारी डिजाइन एंड कलर्स अवेलेबल है सर। बिल्कुल, तो ये भी एक अलग टाइप का फ्लो है, मींस जिसको जहाँ पे जिस तरह से चलता है वो इसको बेच सकता है। बिल्कुल, रेंज के अकॉर्डिंग कस्टमर ले सकता है। नॉर्मली सेल लगाने के लिए भी परफेक्ट चीज है, मतलब एकदम 100% सर। ओके ठीक है, तो जैसे गाइस अपग्रेड होगी क्वालिटी, वैसा प्राइस भी बढ़ेगा। आप वो सब चीजें क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग रेट बढ़ता जाएगा सर। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ सर, ये उससे थोड़ा हेवी रेंज है। देखिए, ये कॉटन फेब्रिक पे बना हुआ है, स्पेशल थोड़ा पैटर्न दे दिया है गले पे। ओके, बैक साइड भी फुली प्रिंट जी, है। अच्छी बात ये है कि ऑल ओवर प्रिंट है ये। जी, टोटली ऑल ओवर प्रिंट है ये जी, जी कॉटन फैब्रिक पे बना हुआ पीस है। तो इन सब में क्या रहता है सर, साइजेस वगैरह रहते हैं? बिल्कुल, साइज भी मिल जाएगा। साइज की अगर बात करूँ तो सर, एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल और 5XL तक भी मिलता है। कुछ वैरायटी होती है? बिल्कुल, कुछ वैरायटी, और अगर कस्टमर को डिमांड रहता है तो उनके ऑर्डर पे हम लोग बना के दे देते हैं सर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, तो ये सब देख सकते हैं। ये भी लो रेंज में ही है, कॉटन फैब्रिक पे अवेलेबल है। जैसे आप देखते हैं, ऑल ओवर पूरा प्रिंट किया हुआ है ये भी। ओके, इसमें बहुत सारी डिजाइन है हमारे पास अवेलेबल है। ये कैटलॉग रेंज है सारी सर। जी जी जी। अगर सर हमारा कोई व्यूवर्स घर बैठे अगर ऑर्डर करता है तो मिनिमम आपसे वो कितना माल ले सकता है? मिनिमम सर, अपने शॉप पे बेचने के लिए? बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है। अगर मैं खाली कुर्ती की बात करूं तो मिनिमम 25,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर। 25,000 रुपए लगा के अपने स्टार्ट कर सकते हैं जी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है वैल्यू का। बट एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सर इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा जी, एकदम जरूरी है। 25,000 क्या है? बिल्कुल सर। ओके, सो गाइस, अगर आप कुर्ती की एक वैरायटी ले रहे हैं नॉर्मल से नॉर्मल, आप आराम से आपको कम से कम 300 से 400 वैरायटी लेना ही पड़ेगा, मीन्स उतना लेना पड़ेगा, तब आपके पास वैरायटी बनेगा बेचने के लिए। ये तो ये इम्पोर्टेड कपड़ा लग रहा है सर? जी, ये क्रेप पे है, अमेरिकन क्रेप पे बना हुआ पीस है। ये सदाबहार पीस है सर, इसको कोई भी सीजन में आप पहन सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट इसमें बैक साइड दिया हुआ है, और खासकर समर में बहुत चलेगा क्योंकि कपड़ा लाइट वेट है। चलेगा सर, ये पूरा प्रिंट किया हुआ है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आते हैं हाफ हाफ में। ये बैक साइड एंड टॉप सेम कलर का रहेगा सर। इसमें भी बहुत सारी साइज हमारे पास अवेलेबल है। जी जी जी, तो ये अलग टेस्ट है, मतलब जिसका थोड़ा सा स्टोर लेवल है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है जी। और जैसे मैं सर ये आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ, टोटल कैटलॉग्स में अवेलेबल है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको अमेरिकन क्रेप का जो पीस दिखाई है उसका कैटलॉग है सर। देखिए उसमें कैटलॉग में कितना पीस आता है? 8 पीस आता है सर। 8 पीस आता है, डिफरेंट तो 8 का पूरा बंडल बनता है जी, पूरा पाउच रहता है और वो पूरा लेना ही पड़ता है जी, एक बंडल पूरा लेना पड़ता है जी। तो इस तरह से सेट बनता है गाइस जी, देखिए जी जी। तो ये उनके सैंपल्स है सर, साथ में बुक दे देते क्या कस्टमर को? बुक साथ में जाता है सर, ईच एंड एवरी पीस के साथ फोटो भी रहता है सर। ओके, वो भी मैं आपको दिखा दूं जी। जी ऐसे रहता है सर, ये देखिए पूरा एक पाउच पैकिंग रहता है इस टाइप से। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से पूरा एकदम स्टैंडर्ड रहता है पूरा जी, स्टैंडर्ड पाउच, अलग डिफरेंट डिफरेंट पाउच पैकिंग आते हैं सर। जैसे ये कैटलॉग हुआ, अभी ये जो फोटो की बात कर रहा हूँ उस टाइप से हर पीस के साथ फोटो आएगा सर। जी जी, इससे बड़ा अच्छा काम होगा, कस्टमर मार्जिन ले पाएगा, कंज्यूमर मार्जिन ले पाएगा। और सेकेंडली सर, उसको हर पीस खोल के नहीं देखना पड़ेगा, फोटो में या दूसरा फायदा ये कलेक्शन दिखा सकता है। एकदम परफेक्ट परफेक्ट, कस्टमर को आइडिया आ जाएगा बोलते किस तरह की वैरायटी है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जी जी ठीक है, और एक्चुअल वही होता है जो पोस्टर पे छपा होता है सर? एकदम 100% सर, कलर भी वही मिलेगा, डिजाइन भी वही मिलेगा सर। बहुत अच्छा, ये वैरायटी, ये काम अच्छा है। ये देखिए सर, एकदम सिंपल सोबर पैटर्न में बहुत अच्छा कपड़ा है सर, ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे।
और नेक पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, बैक साइड में भी वर्क किया हुआ है। बिल्कुल, इस तरह की वैरायटी साउथ के साइड में बहुत ज़्यादा चलती है जी। तो ये कपड़ा ही बहुत चलता है उधर, क्योंकि जी अच्छा कपड़ा भी होता है। जो रेंज देखने टोटली लाइट कलर की रेंज में आएगी, इसी टाइप के सारे कलर्स आएंगे सर इसमें। और आफ्टर वॉश क्या बोलते हैं सर ये सारे फैब्रिक्स के बारे में? मैं सर 100% गारंटी देता हूँ, क्वालिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है सर। मींस अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी में कभी नहीं हो सकता है सर? बिल्कुल, मींस क्वालिटी में अपन डील करते हैं जी, एकदम 100% सर। जी जी जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ फुली प्रिंटेड पीस है सर, इसमें फॉइल का भी काम किया हुआ है जो शाइनिंग दे रहा है जैसे आप देख पा रहे हैं, एंड इसमें बटन का पैटर्न दिया हुआ है। बिल्कुल, ये भी एक कैटलॉग रेंज ही है, इसमें भी बहुत सारी प्रिंट पूरी ऑल ओवर है जी, रियान का फैब्रिक से पूरा प्रिंट किया हुआ है। जी बिल्कुल एकदम। ओके ठीक है, तो इनमें भी सेम वैसे ही बंडल आते हैं? बिल्कुल, ये टोटली कैटलॉग रेंज ही दिखा रहा हूँ सर, किसी में 6 पीस है, किसी में 8 पीस है, और जो कैटलॉग रहेगा उसमें टोटली सब 8 पीस या 6 पीस डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट डिजाइन मिलेंगे सर। ऐसा नहीं है एक पैटर्न है और उसी के 6 कलर है, ऐसा कोई भी कैटलॉग नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो वैरायटी तो पूछना ही नहीं, वैरायटी तो बहुत है, मतलब बहुत कस्टमर तो जितना चाहिए जी। अगर एक कस्टमर कुर्ती के काउंटर में आके बैठता है तो मिनिमम उसको 2 घंटे देखने में लगेंगे अगर वो सारे सैंपल देखेगा तो। हाँ इतनी वैरायटी तो है यहाँ पे, इतनी वैरायटी है। ये देखिए सर, खादी कॉटन पे बना हुआ पीस है, सिंपल सोबर प्रिंट दिया हुआ है एकदम, बैक साइड में चेक्स प्रिंट बना हुआ है, फुल स्लीव्स है, स्लीव्स में भी पैटर्न दिया हुआ है, बेल स्लीव जैसा बोलते हैं जी, बेल स्लीव। ठीक है ना। ओके, अगर सर इन सब की प्राइस जानना हो कस्टमर को तो कैसा जान सकता है वो? अगर सर काफ़ी सर यही क्वेश्चंस करते हैं कि आप लोग प्राइस क्यों नहीं बताते वीडियोस के अंदर? एक्चुअली सर पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि प्राइस क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि जो कस्टमर हमसे यहाँ से परचेज लेके जा रहे हैं, अगर हम वीडियो में प्राइस बता देंगे एक एक पीस की तो जो कस्टमर हमसे लेके जा रहे हैं उनको सेल आउट करने में प्रॉब्लम आएगी, वो अपना मार्जिन लेके नहीं सेल आउट कर पाएंगे, क्योंकि हर पर्सन को वीडियो में रेट पता चल जाएगी और जो उनसे कस्टमर है, जो उनके कस्टमर है वो उनसे फिर बार्गेनिंग करेंगे। मींस हर किसी को अपने स्टेज पे ही रहना चाहिए, आपका मतलब ये कंज्यूमर है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है एक्चुअल में सर। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि प्राइस कैसे पता चलेगा, सर उसके 2 ऑप्शन है, या तो कस्टमर हमारे यहाँ विजिट करे जी, और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन उनको अगर पता करना हो तो हमारी पूरी ऑनलाइन सेटअप बना हुआ है, ऑनलाइन टीम बैठी हुई है सर। ओके, उनको हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर हाई लिख के अपना नाम और लोकेशन लिख के उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कुर्ती में कुर्ती की रेंज की रिक्वायरमेंट है, तो उनको व्हाट्सअप पे सारा अवेलेबल मिल जाएगा सर जी। तो इस तरह से आप पूरा सैंपल्स भिजवा देते हैं? बिल्कुल, एक पर्सनली टीम है उसके लिए। बिल्कुल, पूरी टीम सेटअप बना हुआ ऑनलाइन, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर। बिल्कुल सर। ओके, तो और वैरायटी देखते हैं आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ ये भी सर फुल्ली प्रिंटेड पीस पे, ये और थोड़ा फैंसी प्रिंट, फैंसी प्रिंट है, रेयन फैब्रिक पे बना हुआ है जी, इसमें बेल्ट पैटर्न दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। ओके ओके, तो ये सभी ट्रेंड वाला आर्टिकल्स है सर? बिल्कुल, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये सर आर्टिकल्स न्यू है। बिल्कुल, मतलब आजकल के टाइम पे आ रहा है वाले, अभी ही लॉन्च किया और ट्रेंड के अकॉर्डिंग लॉन्च किया है सर हम लोग। हाँ हाँ, वो तो समझ में आ रहा है क्वालिटी देखकर। बिल्कुल, ये फुली प्रिंटेड पीस है सर, इसमें इसी टाइप की डार्क कलर की रेंज मिलेगी। अच्छा, पूरा डार्क रहने? बिल्कुल डार्क एंड फ्लावर प्रिंट मिलेंगे सर टोटली। सही है सही है, परफेक्ट चीज है मतलब जी। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ सर ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पीस है, डार्क कलर की रेंज है, बेल स्लीव्स दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, उसमें भी पैटर्न बना हुआ है और एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे किया हुआ है। देखिए सर, ये पूरा 2-टोन के धागे से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, व्हाइट कलर यूज किया हुआ है, ग्रे कलर। एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बड़ी मस्त लग रही है सर, एकदम सर ऐसा लग रहा है कि प्रिंट किया हुआ है। हाँ, धागा एकदम कहीं नहीं दिख रहा है, मैंने पूरा जूम करके देखा जी, एकदम 100% बहुत अच्छा लग रहा है इसका फिनिशिंग। फिनिशिंग के साथ पीस मिलेंगे सर, परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। कि एक्चुअल में क्या होता है, कस्टमर जब काउंटर पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल सर, फिनिशिंग की वजह से, और परफेक्ट चीज आएगी तो सर अच्छा मार्जिन ले पाएंगे। हाँ हाँ, ये तो परफेक्ट बात है और ये होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। बिल्कुल, ये 2-टोन के फैब्रिक पे बना हुआ जैसे आप देख रहे हैं, 2 कलर इसमें शाइनिंग आ रहा है, साथ में इस पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एंड डायमंड का वर्क किया हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं। डायमंड्स, ओके, इसमें यहाँ पे भी डाउन पे भी पूरा बुट्टे के कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ओके, सही है, परफेक्ट है, मतलब एक साइड में प्लेन दिया हुआ है जी जी, इसमें भी सर टोटली साइज हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह का जो आइटम्स होता है जो प्लेन में थोड़ा सा हल्का सा कम, वो ज्यादा चलता है। बिल्कुल सर, बिटवीन जो फैंसी माल है उससे भी ज्यादा चलता है। सिंपल सोबर सर कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए वो ज्यादा ट्रेंड में रहता है और ज्यादा चलता है। हाँ, और ये कभी डेड नहीं हो सकता है किसी रिटेलर के पास, ये हमेशा बिकता है जी। इन फैब्रिक की कोई सीजन नहीं है, कभी भी कस्टमर को आप सेल आउट कर सकते हैं। टेक्सटाइल की तो ये सर विशेष बात है कि ये प्रोडक्ट कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। हाँ, कपड़ा कभी खराब नहीं होता है। हाँ, वही वही जी, बिल्कुल। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये भी एम्ब्रॉयडरी पीस है, क्या मस्त फिनिशिंग है सर, अच्छा लग रहा है। पूरा थ्रेडवर्क किया हुआ है, थ्रेडवर्क भी कॉन्ट्रास्ट धागे यूज किए हुए हैं, व्हाइट कलर, ब्लू कलर,
यहाँ पॉकेट दिया उसे, पॉकेट में भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं। परफेक्ट है, और कॉम्बिनेशन बटन के साथ तक के मैच किया हुआ है। बिल्कुल एकदम सर, जो एम्ब्रॉयडरी है वही बटन यूज किए जी। स्लीव्स में भी जैसे आप देखेंगे यही कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। बहुत मायने रखती है ये चीज, बहुत बढ़िया। सर एकदम छोटी छोटी चीजें देख के पूरा फिनिशिंग के साथ बनाया जाता है पीस। अच्छी चीज लग रही है देखने में, तो काफी लुक अच्छा लग रहा है, मीन्स लुक ही मायने रखता है। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ मैं कुर्ती, फुल गाउन स्टाइल कुर्ती बनी हुई है जैसे आप देख रहे हैं। इसका घेर देखिए सर, बहुत बड़ा है, 3 मीटर 4 मीटर का घेर बना हुआ है। हाँ, 3.5 मीटर प्लस है ये। और इसमें जो पैटर्न देख रहे हैं हाफ हाफ फैब्रिक यूज किए हैं सर, यहाँ अलग फैब्रिक है, फिर ये अलग फैब्रिक है, डाउन में अलग फैब्रिक। जब फैब्रिक चेंज हो रहा है तो उसमें स्टिच किया जाता है क्या, मशीन से काम होता है? बिल्कुल टोटली मशीन से काम होता है सर ये। ओके, कटिंग पेस्टिंग वर्क बोलते हैं इसको। जी जी, बैक साइड भी देखिए सर, पूरा पैटर्न बना हुआ है, स्टाइलिश पैटर्न बना हुआ है, और मस्त मस्त एक नंबर पीस लग रहा है जी। बिल्कुल, इसमें भी सर बहुत सारी साइज हमारे पास मिल जाएगी जो रेगुलर साइज चलती है। ओके, ये भी कैटलॉग की रेंज है, बहुत बढ़िया वैरायटी थी ये। ओके, आप जो दिखा रहे हैं ये सारे हेवी चीजें, मतलब ये सब की कोई तारीफ करना नहीं पड़ता है, ये सब चीजें तो बिना तारीफ के बिक जाती है जबरदस्त। जो लेके जा रहे हैं उनको सेल्समैन ही नहीं करनी पड़ेगी सर, प्रोडक्ट कस्टमर के सामने खुलते ही बिक जाने सर ऐसे प्रोडक्ट। बहुत अट्रैक्टिव है गाइस रियली, आप इसका डिस्प्ले कर देना बस लेके जाने के बाद, ये चीज आपको आराम से 2 से 3 गुना प्रॉफिट देके जाएगी, स्टोर भी थोड़ा मायने रखेगा आपका, बाकी तो चीज बहुत प्यारी है ये। ये भी कटिंग पेस्टिंग में अलग अलग फैब्रिक यूज करके बना हुआ पीस है, परफेक्ट चीज है, अलग पैटर्न है जैसे आप देख रहे हैं, सीक्वेंस का काम, इसका कलर भी बहुत अच्छा है सर। ऐसे इस तरह के कलर और ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल के टाइम पे जी, टोटली फैंसी कलर सही है, ट्रेंड में चल रहा है। सही है सही है, जबरदस्त ये कोटी स्टाइल में बना हुआ पैटर्न है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका भी, थोड़ा 5 से दिखा सकते हैं सर इसके, मैं दिखा सकता हूँ फैब्रिक देखिए सर किस तरह की, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और फिनिशिंग भी काफी अच्छी की गई है, बहुत बढ़िया है, पूरा कोटी स्टाइल बना हुआ है। हाँ हाँ, तो ये थोड़ी सी हेवी क्वालिटी हो जाती है ना, ये थोड़ा सा हेवी क्वालिटी में आ गया सर जी। तो ये भी हर किसी के काउंटर पे चलता है गाइस, आप लोग लेके जाएंगे तो आपको तो पता ही आपका प्रॉफिट। बाकी चीजें आप देखिए, अगर आपको इनके प्राइस जानना हो तो व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, सैंपल्स तो आपको भेज देंगे ठीक है। ये भी देखिए कॉटन फैब्रिक पे बना हुआ है, कोटी स्टाइल है, साथ में फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी वर्क भी है सर, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग देखिए आप, है ना। हाँ, ये एक चीज़ तो मैंने आपके पास देखा, फर्स्ट तो फैब्रिक अच्छा यूज़ कर रहे हैं, सेकंड थिंग जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा मस्त फिनिशिंग कर रहे हैं, कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी इससे, बहुत परफेक्ट। ये चीज़ मैंने बहुत देर पहले देखा था और अभी देखूंगा रियली। नेक्स्ट देखिए, एकदम इम्पोर्टेंट फैब्रिक पे पीस बना हुआ है, हैंडवर्क का काम किया हुआ है साथ में, जैसे आप देख पा रहे हैं टोटली हैंडवर्क का काम यहाँ पे, और हाफ हाफ पैटर्न पे बना हुआ है। ये देखिए सर, बूटी में भी हैंडवर्क का काम किया हुआ है, पर आइडिया नहीं लगा कि हैंडवर्क का काम है, टोटली प्रिंटेड लगता है एकदम। अच्छा अच्छा, और इम्पोर्टेंट फैब्रिक गाइस, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे के अंदर आपको इसका फैब्रिक नहीं पता चल रहा होगा, बट रियली यकीन कीजिए अमेजिंग क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त फैब्रिक है ये, बहुत प्यारी चीज है। बैक साइड भी पूरा प्रिंटेड किया हुआ है सर, प्रिंटेड रियली कुछ यूनिक ही है, मतलब ये कपड़ा ही देख रहे हैं ना, एकदम प्रीमियम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा। सो ये चीज थोड़ी बहुत मस्त बनाई है सर, ये अच्छा था एकदम। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ सर, अभी जो आइटम दिखाऊंगा ये सब पेयर आइटम है, कोई दुपट्टे के साथ है सर, कोई बॉटम के साथ है, जैसे अभी आपको ये पीस दिखा रहा हूँ मैं, इसको शॉर्ट कुर्ती बोलते हैं। बिल्कुल, ये शॉर्ट कुर्ती है। अच्छा, ये सदाबहार कलर व्हाइट तो हमेशा चलता है। ओके, साथ में इसका ये बॉटम दिया हुआ है, बॉटम पे आप पैटर्न देख सकते हैं, फ्लावर पैटर्न बना हुआ है टोटली। ओके, देखिए ये भी पूरा कट पेच करके बनाया है। ये सब कपड़ा वॉश हुआ रहता है सर? बिल्कुल वॉशेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सर। ओके, देखिए ये सर पूरा पेज उठा पहले बनता है, उसके बाद बॉटम पे पंचिंग होता है। अच्छा, काम अच्छा किया है, मतलब बिल्कुल एकदम फिनिशिंग बॉटम पे काम है ना। ओके बिल्कुल, और ये क्या है? इसका दुपट्टा है सर, दुपट्टा है, दुपट्टे भी बड़ा मस्त काम किया है, दुपट्टे पे भी पूरा एक कपड़ा पंचिंग किए हुए, कुछ अलग ही है, ये नाज़नीन बेस पे बना हुआ सर। अच्छा, तो ये भी इनको भी कुर्ती बोल देना। बिल्कुल, ये कुर्ती के साथ ही है सर, पैर आता है पूरा। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिखा देता हूँ, पैर तो मैचिंग में ही रहेगा ना। बिल्कुल, सो जैसे कि आप देख रहे हैं पैर स्लीव के मैचिंग में है, ये कोई कॉन्ट्रास्ट की मैचिंग में रहता है और कोई टोन टू टोन रहता है सर। सही है, तो मैचिंग है ये अच्छी बात है, मैचिंग रहना ही चाहिए। देखिए स्लीव्स के साथ मैचिंग करके बनाया हुआ है जी, जैसे आप देख रहे हैं ये स्लीव्स है इसकी, और रेयन बेस पे है, और बॉटम भी इसका रेयन बेस पे ही बना हुआ,
फुल्ली प्रिंटेड किया हुआ कपड़ा मस्त है यार रियान का ये वाला फुल्ली प्रिंटेड पीस है हेवी केजी कपड़ा ये ओके ठीक है ओके ओके ठीक है इसमें भी साइजेस मिल जाएंगे सर हमारे पास में ये बहुत अच्छा लग रहा है व्हाइट के अंदर क्या काम किया है ये मगर बिल्कुल ये थ्रेड वर्क बोल सकते हैं या हैंड वर्क भी बोल सकते हैं सर इसको ओके ये लखनवी में बहुत चलता है जी, थोड़ा थोड़ा झलक दे रहा है गाइस आप लोग को जैसे कि आप देख रहे चीज एकदम सुपर्ब लग रही है मस्त लग रही है पूरा है एक बार कपड़ा भी दिखाना चाहूंगा कपड़ा भी बड़ा मस्त है कॉटन फैब्रिक पे बना हुआ है सर बहुत अच्छा कपड़ा है यार रियली गुड जबरदस्त वैरायटी है ये ब्लैक इसका कॉन्ट्रास्ट कलर में पूरा बॉटम दिया हुआ है नीचे इसका जो कलर की कुर्ती ली है उसी कलर का थ्रेड वर्क नीचे किया हुआ है सर ये भी मायने रख रहा है बहुत जी देखिए ओके तो यहाँ पे जो काम किया है उसका ये बॉटम रहेगा जी बिल्कुल क्या चीज बनाया यार मस्त एक नंबर चीज है एक्चुअली सर सिलेक्टेड कलर में मिलते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स नहीं मिलते हैं जो कलर इसमें सूट तो ये सब चीजें गाइस आप लोग भी जब काउंटर पे बेचोगे ना तो अपने सिलेक्टेड कस्टमर को ही बेचना ये चीज बहुत खुश हो जाएगा आपका कस्टमर बढ़िया यार ये 210 बेस पे बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फॉइल का काम किया हुआ है इसके अंदर और कपड़ा है क्या कोई जी इसके अंदर इनर दिया हुआ है सर साथ में ओके ये देखिए स्मूथनेस है गाइस साटन का इनर दिया हुआ है सर मस्त है ये होना चाहिए ये नीचे बॉटम पे पूरा फॉइल का वर्क है यहाँ पे गोटा पट्टी का यूज करके यहाँ पे बॉटम का सॉरी फॉइल का काम किया हुआ है हाँ और ये भी बॉटम के साथ पीस बना हुआ है गरारा शरारा जिसको बोलते हैं ये देखिए सर ओके पूरा स्टाइलिश पैटर्न दिया हुआ है इसमें भी कॉम्बो परफेक्ट है मतलब सर फिनिशिंग देखिएगा फिनिशिंग के साथ एकदम चीजें बनी हुई है स्टिचिंग देखिएगा यहाँ पे धागा एक भी नहीं दिखेगा आपको स्टिचिंग बहुत मायने रख रही है आपकी बिल्कुल अच्छा लग रहा है एक्चुअली सर बोलूँ प्रीमियम चीजें हैं सारी हाँ हाँ तो रेंज भी वैसा और बिकेगा भी वैसा ये भी याद रखना गाइस सो जैसी क्वालिटी होती है वैसी प्राइस भी होती है ये कॉटन बेस पे पीस बना हुआ है सर जैसे आप देख रहे हैं इस पर थ्रेड वर्क किया हुआ है ओके यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर में थ्रेड वर्क लिया हुआ है और बाकी सिंपल सोबर कुर्ती बनी हुई है और कॉन्ट्रास्ट कलर में ही बॉटम दिया हुआ है प्लाजो ओके कपड़े में थोड़ा थिकनेस है पर ये अच्छा कपड़ा लग रहा है बिल्कुल क्या बोलते हैं ये मार्केट में चलता है इस तरह का कपड़ा फुल फ्लेश चलेगा सर आगे समर है कॉटन बेस चलना ही चलना है सर ओके बिल्कुल तो ये सारे कपड़ों को तो कुछ होता नहीं ना आफ्टर वॉश वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला 100% गारंटीड फैब्रिक है ये सब ओके ये टू टोन फिर से एक बार ये टू टोन खादी कॉटन इसको बोल सकते हैं सर इसका पैटर्न यूनिक लग रहा है सर एक बार उठा के दिखा दो बिल्कुल सर इसमें बॉटम साथ में दिया हुआ है बहुत बढ़िया पैटर्न गाइस आप नीचे का देख लो एक बार ये पैटर्न मतलब थोड़ा यूनिक वैरायटी आप अपने शॉप पे रख सकते हैं जो कुछ फंकी आए तो उन लोगों के लिए निकाल सकते हैं और ये सर थोड़ा सा फ्लैट प्रिंट पे प्लाजो दे दिया है इसके साथ ये भी कॉटन फैब्रिक ये कौन सा काम किया हुआ है सर जो फूल वाला जो काम है एम्ब्रॉयडरी है ना जी एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी पूरा हैंड वर्क है सर ये छोटे छोटे चीजें गाइस बहुत मायने रखती है रिटेल पे तो आप लोगों को पता है ये सारी चीजें और इसका प्लाजो दिया है सर साथ में कॉम्बो उसके साथ मिल रहा है कलर भी अच्छा बैठ रहा है जबरदस्त ये चीज यूनिक है ठीक है तो आप बता रहे थे शॉर्ट वाला अभी नेक्स्ट में जो आपको दिखाऊंगा शॉर्ट कुर्ती का कलेक्शन दिखाने वाला हूं जी शॉर्ट्स आपका मोस्ट ऑफली कहाँ चलता है सर इसका कुछ आइडिया देंगे बिल्कुल सर एक्चुअली वेस्ट में जैसे मैं बोलूँ मुंबई के कस्टमर हुए ओके साउथ में भी अभी बहुत अच्छी पकड़ है सर मींस ये चीज ऑफिस वेयर लोग ज्यादा वेयर करते हैं बिल्कुल सर ओके ये शॉर्ट्स में कुर्ती है थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क का टचअप दिया हुआ है फिनिशिंग के लिए लुक आ जाए कुर्ती का कपड़ा क्या चीज है सर ये कॉटन फैब्रिक पे सर हाँ ये अच्छा कॉटन लग रहा है थोड़ा जी हेवी क्वालिटी में कॉटन यूज किया हुआ है सर बढ़िया है इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है बिल्कुल जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी की है ये भी तो इनमें बॉटम रहता है नहीं सर ये ओनली टॉप है ओके ये देखिए तो मोस्ट ऑफली स्टाइल क्या चलती है इसमें जीन्स के ऊपर ये सब बिल्कुल जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं सर जेगिंग्स भी चल रहे हैं आजकल तो उनके ऊपर भी ये यूज कर सकते हैं ये देखिए सर ये पॉकेट क्या है ये पॉकेट है सर ये पॉकेट में स्टाइल दी हुई है ये चिकन कपड़ा बना है जी देखिए चिकन वर्क किया हुआ है इस पे पॉकेट पे मस्त यार कुछ अलग ही आइटम है मतलब गाइस वो तो इस तरह का आइटम ना कभी रिटेल्स पे रुकता नहीं है ये बात मायने रखती है ओनली डिस्प्ले करना रहेगा हाँ हाँ ओनली डिस्प्ले अच्छे से हो आपने एक भी चीज अनसिलेक्टेड नहीं दिखाया वाकई मुझे भी लगा कि यार तारीफ करूँ ये चीज के लिए ये भी देखिए सर बहुत मस्त कुर्तीज बनी हुई है इस पे भी थोड़ा सा टचअप दिया हुआ है का सिंपल सोबर वर्क किया हुआ है सर जैसे आप देख पा रहे हैं परफेक्ट शोरूम टेस्ट है पूरा ये सो सर टेस्ट तो बहुत जाता है एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है मैंने इतने सैंपल अभी आपको दिखाए हैं बहुत वैरायटी दिखा दी सर चार सैंपल अभी और भी है पर सारे दिखाना पॉसिबल नहीं और आपने सारे न्यू अराइवल कलेक्शन दिखाए बिल्कुल टोटली सब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट को ये सारा न्यू है गाइस एकदम 100% ये रियोन बेस पे कुर्ती बना हुआ है यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं ठीक है
परफेक्ट चीज है, बैक साइड सिंपल सोबर दिया हुआ, तो इस टाइप ये सब तो सदाबहारी है। बिल्कुल, इस टाइप से सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अभी मैं सारे आपको दिखा नहीं पाऊंगा। एक बार मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को पूरा ये काउंटर ओवरव्यू दिखा दें आप, जो स्टॉक लगा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा काउंटर है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आते हैं तो जैसे कस्टमर अटेंड हो रहे हैं वैसे आप भी यहाँ पे आके सारा कुछ देख सकते हैं। मींस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा आवाज़ के लिए तो आप देख लेना, बाकी आपको सारा का सारा मींस बता ही गया है। और यहाँ पे लगे रहते हैं सैंपल्स, ठीक है, तो आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत आराम से सैंपल्स दिखाया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कलेक्शन, रियली गुड, बहुत अच्छा। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए सर।